विगत 60 वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, निरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। दूसरा, सिंचित भूमि में वृद्धि। तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि। निरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है। इस निश्चित भूमि के अलग अलग उपयोग हैं। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो जंगलों को साफ करना होगा। 60 वर्ष के आंकड़ों में हम कृषि भूमि में विस्तार देखते हैं। कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुआ है। इसके बाद विगत लंबे समय से यह स्थिर अवस्था में है। थोड़ा बहुत फर्क परती भूमि के कारण एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है। तालिका 3.2, भारत में निरा बोया गया क्षेत्र। वर्ष 1950-51 में निरा बोया गया क्षेत्र 119 मिलियन हेक्टेयर था। वर्ष 1990-91 में निरा बोया गया क्षेत्र 143 मिलियन हेक्टेयर था। वर्ष 2000-2001 में निरा बोया गया क्षेत्र 141 मिलियन हेक्टेयर था। वर्ष 2010-11 में निरा बोया गया क्षेत्र 142 मिलियन हेक्टेयर था। निरा बोया गया क्षेत्र का अर्थ है उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया हो। सिंचित भूमि में वृद्धि। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते, किंतु इसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा यही करती है। कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक पानी है। वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है जिससे अधिकांश भागों में कृषि की जाती है, लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि परती पड़ी रहती है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि संभव हो पाई। 1950-51 में देश में कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई। इसमें से कुछ भूमि ऐसी भी है जिस पर 2 बार सिंचाई की सुविधा संभव है। यदि इस कुल कृषि भूमि को प्रतिशत में देखें तो 1950-51 में देश में 16% भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें लगभग 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई और यह 45% हो गई।